हेलो दोस्तों नमस्कार। आपको पता होगा कुछ दिन पहले UK07 राइडर ने मनोहर पारगी को बॉक्सिंग मैच के लिए चैलेंज किया था। दोस्तों उनका यह मामला सोशल मीडिया पर काफ़ी कंट्रोवर्सी से भरा था। अब पता नहीं UK07 राइडर ने कौन सा गांजा फूंका। कुछ दिन पहले उन्होंने अपनी सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें उन्होंने सभी यूट्यूबर्स को बॉक्सिंग मैच के लिए चैलेंज किया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और अरमान मलिक जिसकी दो बीवियां ने इस फाइटिंग चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। दोस्तों आज अरमान मलिक ने अपने सोशल मीडिया पर दो वीडियो अपलोड किया। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। तो पहले ये सुन लो फिर इसका फैम भी खत्म करते हैं। इट्स ओपन टू एवरीवन, बॉक्सिंग चैलेंज ओपन टू एनीवन। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं भाई, तेरा चैलेंज ना मैं लेता हूं, ठीक है? अगर किसी में दम है फाइट करने का, वी विल फाइट। दोस्तों अरमान ने बहुत सारे वीडियो बनाए जिनमें उन्होंने अनुराग को खूब गालियां दी। उन्होंने उसे कुत्ता और मच्छर जैसे शब्दों से बुलाया। अरमान ने अनुराग पर उसका हरियाणवी होना भी मजाक उड़ाया और कहा कि हरियाणवी का घी पहलवानों के लिए होता है, कुत्तों के लिए नहीं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अरमान ने अनुराग को धमकी दी है कि वह इस लड़ाई से पीछे आता तो अपने माँ बाप की औलाद नहीं। वह एक बात और सुन ले यूके, अगर पीछे हट गया तो तू अपने माँ बाप की औलाद नहीं है, अगर हम हट गए तो हम नहीं है। तो भाई ये कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, ये चैलेंज दिया था इसने। उसने साफ कहा है कि अगर मेरे को हटना पड़ा तो मैं नहीं हटूंगा, लेकिन अगर अनुराग हटा तो अपने माँ बाप का बेटा नहीं हो। दोस्तों ये फाइट अब धीरे धीरे और आगे बढ़ती जा रही है। इसके बाद अरमान मलिक ने एक और वीडियो अपलोड किया जिसमें उन्होंने अनुराग को बेशर्म कहा। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया जान चुकी है कि मैंने अनुराग का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। तो भाई बेशरम तो देखे पर इससे नीचे नीचे पूरी दुनिया को पता लग गया कि चैलेंज मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। अगर अच्छे से ट्रेनिंग ले लिया ना तूने तो मुझे बता दे कहाँ पर आना है। तो एक अब उन्हें इंतजार है कि अनुराग उनसे लड़ने के लिए तैयार होगा या नहीं। अरमान ने चेतावनी दी है कि अगर अनुराग ने अच्छी तरह तैयारी नहीं की तो वो कोमा में जाएगा। तो भाइयों इस गेम का रिजल्ट आ गया है, सिंगल पंच और उसके बाद क्या होगा। दोस्तों ये पूरा मामला आज और कल से गर्म हुआ है। इस तरह दोनों यूट्यूबर एक दूसरे को उल्टी सीधी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए हैंड टू हैंड कॉम्बेट की धमकियां दे रहे हैं। उनके सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से ये वीडियोस वायरल हो रहे हैं और लोग इस फाइट को लेकर अपने अपने रिएक्शन दे रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह सब प्रचार करने के लिए किया जा रहा है और अंत में अनुराग और अरमान वास्तव में एक दूसरे से लड़ेंगे नहीं बल्कि सिर्फ लोगों को अटैक करने का एक तरीका है। लेकिन बात की जाए अनुराग और मनोहर की तो उन लोगों की लड़ाई तो काफी गर्म हो चुकी थी, इतनी कि उनके बीच में पुलिस आई तब पूरे मामले को शांत कराया गया। दोस्तों इस पूरे कंट्रोवर्सी की सबसे बुरी बात दोनों यूट्यूबर्स द्वारा की जा रही गाली गलौज का इस्तेमाल है। वे ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जिसे सुनकर किसी भी बच्चे या युवा पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। भले ही ये लड़ाई रियल हो या सिर्फ एक सोशल मीडिया स्टंट, किसी भी स्थिति में इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, अरमान मलिक और UK07 राइडर के बीच फाइट हुआ तो कौन जीतेगा और आप किसको सपोर्ट करना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में कुछ नए ट्रेंडिंग टॉपिक्स के साथ। तब तक टाटा बाय बाय।